हेलो दोस्तों, एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो इरेजर होता है उसकी साइज कैसे इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इरेजर होता कहाँ है। ये देखिए, ये है आपका इरेजर माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे, ये रहा इरेजर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स जैसा कुछ खुल जाएगा, इसको हम बोलते हैं इरेजर। अब इससे आप कुछ भी इरेज करना चाहें तो आप इरेज कर सकते हैं। अब इसकी जो साइज होती है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। जैसे ये देखिए, ये रहा ऑप्शन, यहां से आप इसकी लिमिटेड साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि और ज्यादा साइज की कैसे इंक्रीज हो सकती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए, तीन चार ऑप्शन आपको बस यहां पर शो होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा शो करेगा, वो छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मुझे इसकी साइज जो इसमें जो ऑप्शन दिया इससे ज्यादा इंक्रीज करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल बटन के साथ प्लस प्रेस करना होगा। कौन सा प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, जो इक्वल टू के ऊपर उसको नहीं प्रेस करना है। जो आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक साइड में जो प्लस साइन दिया हुआ है उसको प्लस करना है। अगर जो इक्वल टू के जो ऊपर प्लस साइन दिया हुआ है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो नहीं इंक्रीज होगी हाइट। जो न्यूमेरिक में राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक बटन दिए होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, उसके बगल में देखिए आप प्लस और माइनस का साइन होगा, उसको प्रेस करना है। तो देखिए, कंट्रोल के साथ जब मैं प्लस प्रेस करता जाऊंगा तो ये देखिए इसकी हाइट जो है, सॉरी साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर माइनस प्रेस करूंगा तो जो साइज है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो इरेजर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में उसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं।